हेलो और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है CGN एनिमेशन। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रदीप अवस्थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए तीन चार स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपके कंप्यूटर की स्पीड डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाएगी जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे गौर करें कि जब भी आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपके सिस्टम की स्पीड बूस्ट अप मिलेगी आपको। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, आपको अप्लाई करना है विंडो और आर। विंडो की होल्ड करके आपको आर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सबसे पहले परसेंटेज, इसके बाद TMP परसेंटेज। तो बेसिकली ये टेम्परेरी फाइल्स में हमको पहुँचा देगा। इसके बाद जैसे ही आप टेम्परेरी फाइल में पहुँचे तो यहाँ पर अप्लाई करें कंट्रोल ए। इसके बाद आपको करना है डिलीट, लेकिन डिलीट नॉर्मल नहीं करना है, आपको शिफ्ट के साथ इसको डिलीट करना है। यानी शिफ्ट पहले होल्ड करना है, इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको डिलीट प्रेस करना है और यस कर देना है, ठीक है ना। नहीं तो आपको रिसाइकल बिन खाली करना पड़ेगा फालतू में। तो मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ स्किप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ ये छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में आपको अप्लाई करना है विंडो देन आर। यहाँ पर टाइप करना है PREFETCH, यानी प्रेफेट्स आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। मैं फ़िलहाल के लिए इसको ओके करता हूँ। तो ये यू डू नॉट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो ये जो बेसिकली है ना, ये क्या कहता है कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो प्रेफेट की जितनी रूट फाइल होंगी और बूट फाइल होंगी वो सारी यहाँ पर खुल जाएंगी। तो हम इनको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर देते हैं। उसी तरीके का प्रोसेस है, स्किप कर देते हैं जो फाइल्स अभी यूज में वो स्किप करनी पड़ेंगी। इसके बाद तीन प्रोसेस हो गए। इसके बाद आपका चौथा प्रोसेस जो है वो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा DISK डिस्क स्पेस दे के CLEANUP डिस्क क्लीन अप और इंटर कर देना है। आपको सी ड्राइव आपको सेलेक्ट करनी, ओके करना है। इसके बाद ये सी ड्राइव को अमाउंट को कैलकुलेट करेगा, स्कैन करेगा फाइल्स को। इसके बाद ये इस तरीके की विंडो खुल के आएगी, डिस्क क्लीन अप फॉर सी। ये आपको सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आप इस पर एरो की का यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर एरो से जाते जाएँ नीचे और स्पेस प्रेस करते जाएँ। इसके बाद आपको करना है ओके और डिलीट फाइल्स। तो ये क्लीनिंग अप ड्राइव सी दिखा देगा। फिलहाल के लिए मेरा क्लीन हो रहा है, रिसाइकल बिन सेटअप लॉग वगैरह वगैरह। इसके बाद जैसे ये पूरा हो जाता है, फिलहाल के लिए मेरा कंप्लीट होने वाला हो गया। इसके बाद आपको फोर्थ स्टेप अप्लाई करना है, विंडो आर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है MSCONFIG MS config। इसके बाद MS config जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्मल स्टार्टअप लगा होगा। मैं भी नॉर्मल स्टार्टअप लगाता हूँ जो आपका लगा होगा। तो यहाँ पर आपको करना है बूट पर जाना है। बूट के अंदर यहाँ पे टाइम आउट 30 सेकेंड होगा, आप इसको घटा के 10 सेकेंड या 15 सेकेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग अपने सिस्टम में काम करते रहते तो कैच फाइल या जो भी फाइल्स हमारी होती हैं टेम्परेरी वगैरह वो बनती रहती हैं। तो इससे होता क्या है कि उस पर हमारा एक जो टेम्परेरी डेटा होता है वो बहुत हैवी हो जाता है, जिससे हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो उस हैंग से बाहर आने के लिए हम लोग सिर्फ 10 सेकेंड लेंगे। 10 सेकेंड तक अगर आपका सिस्टम हैंग से बाहर नहीं आता तो प्रोग्राम को अपने आप क्लोज करके और बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है टाइम आउट। इसके बाद हम लोग जाते हैं एडवांस ऑप्शन के ऊपर। तो एडवांस ऑप्शन में आपका मिलेगा नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स 3 या 4 या 5 6 8 जितने भी होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम सिर्फ एक ही प्रोसेसर को यूज करता है। हम आप जितना हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे इसमें मेरी 2 GB रैम है, 2 ही प्रोसेसर बूट एडवांस ऑप्शन के लिए शो कर रहा है, तो मैं हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको यूज़ करने के बाद हम लोग अगर मैक्सिमम मेमोरी पावर को चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। सर्विसेज और स्टार्टअप, बेसिकली सर्विसेज क्या, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम तो जितनी सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं उन सबको रन करता है। तो आप जिनको रन नहीं कराना चाहते उनको आप अनटिक कर दें कुछ इस तरीके से। तो वो जब स्टार्टअप होगा जो ज़रूरत नेसेसरी फाइल्स हो सिर्फ उन्हीं को रन कराएं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम जनरल पे आते हैं तो सेलेक्टिव स्टार्टअप पे आ चुका होगा, लोड सर्विस सिस्टम वगैरह वगैरह दिखा रहा होगा। ये वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, लोड सिस्टम सर्विसेज। जो स्टार्ट करते हैं सिस्टम तो सारी सर्विसेज लोड होती हैं, वही चीज़ है। फिर हम लोग करेंगे अप्लाई, अप्लाई हो गया, बाद में ओके। तो यहाँ पे एक्साइट एंड विदाउट रिस्टार्ट दिखा रहा, रिस्टार्ट दिखा रहा। तो अगर मैं रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं फिलहाल के लिए एक्साइट विदाउट रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग करेंगे रिस्टार्ट। तो मैं एक्साइट विदाउट रिस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको जाना है अपने सिस्टम पर, सिस्टम की खोलना है प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। ये 5वां और लास्ट स्टेप है। जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ खोल लेंगे तो यहाँ पे आपकी विंडो की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे विंडो एक्टिवेटेड, प्रोडक्ट आईडी, इंस्टॉल रैम, कितने बिट की मैं
कौन सी विंडो आपकी इंस्टॉल है। यहाँ पे आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद ये सिस्टम प्रॉपर्टी खोलेगा। इसके अंदर एडवांस के अंदर जाना है, परफॉर्मेंस के अंदर आपको विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर, शेड्यूलिंग मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो आप यहाँ पे सेटिंग खोलेंगे तो यहाँ आपका लेटेस्ट विंडो चूज व्हाट बेस्ट ऑफ माई कंप्यूटर यहाँ पर लगा होगा। आप यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इस पर आप अपनी सिस्टम सर्विसेज चूज़ कर सकते हैं। तो या कस्टम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पे रखना अच्छा लगता हूँ क्योंकि इससे रिफ्रेश जो होता है वो हमारा फेड आउट होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं एडवांस के ऊपर। तो एडवांस पे आप वर्चुअल मेमोरी, जैसे कि आप अपनी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पेन ड्राइव को यूज करके आप वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं। उसको पेन ड्राइव आप लगा के उसको एज रैम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे कस्टम्स, जैसे मेरी पेन ड्राइव लगी होती तो अभी आ जाता, उस ड्राइव को मुझे सेलेक्ट करना होता है यहाँ से। इसके बाद कस्टम साइज, इनिशियल साइज हमें एमबी में अपलोड करना होता है, इसका सेट करना होता है, उसको ओके करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल मेमोरी यानी अपने रैम को, पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज करके या अपनी वर्चुअल मेमोरी को एज ए रैम यूज करके सिस्टम का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ अप्लाई एंड ओके, ठीक है, ओके। तो ये सारे जो 5-6 स्टेप्स हैं, इसके बाद मैं रिस्टार्ट लेटर करता हूँ। आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा और रिफ्रेश करना होगा। तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर की स्पीड है वो पहले से मे बी 3.5 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी होगी, 3.5 या 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल कि हम लोग अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।